हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक बार फिर से आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं फिर से आपके लिए एक बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होममेड रेमेडी लेकर आई हूँ, जिसकी हेल्प से आप अपने बालों को एकदम डैंड्रफ फ्री बना सकते हैं, और अगर आपके बालों में इचिंग हो रही है तो आप उस इचिंग को भी हटा सकते हैं। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं आज की रेमेडी में। मैं यहाँ पर कोकोनट ऑयल, रोज़ वाटर मतलब गुलाब जल, और कास्टर ऑयल मतलब अरंडी के तेल का यूज़ करूँगी। आपको कोई भी नियर बाय जनरल स्टोर पर ईजिली अवेलेबल हो जाएगा। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं। पर शुरू करने से पहले, अगर आपने अभी तक मेरी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो गाइस प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन पर प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं। पहले आप यहाँ पर 1 टीस्पून कोकोनट ऑयल को ले लीजिए, उसमें 1 टीस्पून रोज़ वाटर और 1/2 टीस्पून कास्टर ऑयल को ऐड कीजिए। अब आप इन तीनों ही चीज़ को अच्छी तरीके से मिक्स कर लीजिए। मैं यहाँ पर आपको कम क्वांटिटी में बनाकर बता रही हूँ, आप इसे इसी रेशियो में ज़्यादा क्वांटिटी में भी बना सकते हैं अपने बालों की लेंथ और ब्रेथ के हिसाब से। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं। पहले आप इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लीजिए, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि आप इसे कैसे और कब अपने हेयर्स पर अप्लाई करेंगे। अब आप इसे अपनी फिंगर की हेल्प से इस तरह से लीजिए और अपनी जड़ों पर अच्छे से जेंटली मसाज कीजिए। आप इसे 15 से 20 मिनट तक मसाज करने के बाद अपने हेयर्स को 1 से 2 घंटे के बाद वॉश कर लीजिए। आप इसे ओवरनाइट भी अप्लाई कर छोड़ सकते हैं। गाइज, आप इसे अप्लाई करने से पहले अपने हेयर्स को अच्छी तरीके से धो लीजिए, और इसे अप्लाई करने के बाद भी अपने हेयर्स को अच्छी तरीके से वॉश कर लीजिए किसी भी हर्बल शैम्पू से। गाइज़, आप इसका वीकली 3 से 4 टाइम यूज़ कीजिए। ये आपके हेयर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है, आपके बालों को डैंड्रफ फ्री बनाएगा और आपके बालों को इचिंग से दूर रखेगा। सो गाइज़, ये थी हमारी आज की रेमेडी। अगर आपको मेरी आज की रेमेडी पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, और अपने फ्रेंड्स के साथ इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप पर शेयर भी ज़रूर करें। अगर इससे रिलेटेड आपको और भी क्वेश्चन हो तो आप इसे हमारे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगेन गाइज, अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल के न्यू व्यूअर हैं तो अभी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर भी ज़रूर प्रेस करें, जिससे आपको मेरे न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल सके। So guys, thank you for watching this video.